हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोलॉइड और सस्पेंशन के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जाना है वो है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, यानी कि मिश्रण के घटकों को पृथक करना। पृथक मतलब अलग करना, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं कि हम किसी मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स को कैसे अलग करते हैं। यानी कि अगर आपने एक आपके पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर दो या तीन या चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपने डाले हैं, ठीक है, तो आप उन सब चीजों को कैसे अलग अलग कर सकते हैं वो आप हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत सारे तरह के हमारे पास मिक्सचर होते हैं और उनको हम अलग अलग करते हैं। आपने छोटी क्लासेस में इनमें से कुछ तरीकों के बारे में पढ़ा है, शायद सेवंथ क्लास में, सेवंथ क्लास में शायद आपने पढ़ा था सीविंग के बारे में, विनोइंग के बारे में पढ़ा था ना, कि भाई कैसे हम चीजों को अलग करते हैं, ठीक है। वो भी जैसे आपने पढ़ा था कि भाई हम हमारे पास ग्रेन्स होते हैं, हम फटक के मतलब चीजों को कैसे अलग करते हैं, बाय हैंड पिकिंग, जैसे आप लोगों ने देखा होगा घरों में, आपके घर वाले जैसे चावल दाल या और चीजें होती हैं उनमें से कई बार हमें कंकड़ चुनने पड़ जाते हैं, ठीक है, क्यों कई बार उनके अंदर मिलावट होती है या चीजें एकदम प्योर नहीं होती, तो हम उनको किन चीजों से किन प्रोसेस से अलग करते हैं, तो वो थे हमारे हैंड पिकिंग, सीविंग और तीसरा था विनोइंग, ठीक है। तो देखो हैंड पिकिंग क्या है, हाथ से चुनकर, सीविंग का मतलब क्या होता है छान कर, विनोइंग का मतलब क्या होता है फटक कर। तो कुछ तो ये तरीके हैं जिससे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। और ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को कौन कैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अलग करने के लिए किया जाता है, ये दोनों सॉलिड वाले होते हैं, ठीक है ना, सॉलिड इनटू सॉलिड। जब दो एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो सॉलिड और सॉलिड मिले हुए हैं आपस में, ठीक है ना, तो उनको अलग करने के लिए हम किन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, ये कुछ तरीके हैं, इनके बारे में आप क्लास सेवन्थ में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हैंड पिकिंग, हाथ से चुनकर, आपने देखा होगा कि भाई आप दाल है या मतलब चावल है या ऐसा कुछ है उनके अंदर कंकड़ है या और कुछ है, आपके घर वाले आपके घर में बूढ़े लोग ये चुन रहे होते हैं कई बार बैठ के, ठीक है, कि उनमें से एक एक दाने को हाथ से चुन के अलग कर देते हैं, ठीक है। तो या आप खुद ही कोई दो चीजें मिल जाए तो आपको अगर अलग करना है तो आप क्या करेंगे, हाथों से चुन चुन के उनको अलग कर सकते हैं। तो हैंड पिकिंग, सीविंग छान कर अलग करना। तो भाई आपने देखा होगा चीजों को छाना जाता है, ठीक है, छान के अलग किया जाता है, जैसे कई बार हम आटे को छानते हैं, आपने देखा होगा आपके घरों में कि भाई आटा सुबह सुबह अगर रोटी बनानी होती है उससे पहले क्या किया जाता है, आटे को छान लिया जाता है जिसमें से उसके अंदर जो दूसरी चीजें मिक्स हैं वो निकल जाएं, ठीक है। और विनोइंग फटक कर, तो फटकने का भी तरीका है, आप लोगों ने सारी चीजें छोटी क्लास में पढ़ी है कि जब हम फटकते हैं चीजों को, फटकने से क्या होता है जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं उससे, ठीक है, और भारी पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, जिससे कि जो मेन ग्रेन्स होते हैं, ज्यादातर ये हम चीजें किस में इस्तेमाल करते हैं आपने देखा होगा ये फार्मिंग में इस्तेमाल होता है, जब आप ग्रेन्स को अलग करते हो उनके डस्ट और दूसरी चीजों से, ठीक है, तो उसमें आप इसमें ये तीनों चीजें इस्तेमाल करते हो। ये तो छोटी क्लास में और आपने पढ़ भी लिया है, आपकी बुक में भी इनके बारे में ज्यादा नहीं लिखा है, हमें जो बातें करनी है, जो हमें समझना है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर के बारे में, वो हमें समझना है मेनली ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के कंपोनेंट्स जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है, हम सारे प्रोसेस को एक एक करके जानते हैं कि किस तरीके से एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है, और वो मिक्सचर कैसा भी हो सकता है, कई बार हम क्या नाम है होमोजीनियस मिक्सचर के भी कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं और हेट्रोजीनियस के मिक्सचर को भी के कंपोनेंट्स को भी हम अलग कर सकते हैं, सबके बारे में हम जानते हैं एक एक करके, ठीक है। तो आपके बुक में जो पहला सेपरेशन टेक्निक है वो लिखा है हाउ कैन वी
ऑप्टेन, हाउ कैन वी ऑप्टेन कलर्ड कॉम्पोनेंट यानी कि डाई फ्रॉम ब्लू स्लैश ब्लैक इंक। ठीक है कि भाई इसमें क्या बोला है, पहला जो आपका सेपरेशन टेक्निक है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कॉम्पोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। ठीक है कि हम हिंदी में कहें तो नीले या काले स्याही से उसके घटकों को अलग कैसे कर सकते हैं, उसके घटक यानी डाई, डाई लिख लो, को कैसे अलग कर सकते हैं। आपकी बुक में ये जो लिखा है ना सेपरेशन के बारे में, इस क्वेश्चन फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है क्वेश्चन फॉर्म में लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन की तरह लिखा हुआ है कि हम इनको कैसे अलग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, इसमें आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, बाकी इसमें आपको एक बात समझनी है कि हम इसमें किनको अलग कर रहे हैं, किस तरह के मिक्सचर को अलग कर रहे हैं। इसके मिक्सचर के जो कॉम्पोनेंट्स है ना, इसके दो तरह के कॉम्पोनेंट्स हैं। इसके अंदर किस तरह के कॉम्पोनेंट्स हैं, दो तरह के, एक वो जो इवेपोरेटिंग, जो इवेपोरेट हो सकता है, दूसरा वो जो इवेपोरेट नहीं हो सकता है। यानी कि हम कहें तो एक वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट है, एक दूसरा जो है वो नॉन वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट है। ठीक है वॉलेटाइल, अब यहां पे वर्ड आया वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट। वॉलेटाइल क्या होता है, जो इवेपोरेट हो सकता है। ठीक है जो इवेपोरेट हो सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट, और जो इवेपोरेट नहीं हो सकता उसे हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट। ठीक है ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को। तो बच्चों आप लोग खुद ही बताइए कि हम कैसे एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल को अलग कर सकते हैं। अगर एक मिक्सचर ऐसा है जिसमें से एक कंपोनेंट ऐसा है मिक्सचर के अंदर जो इवेपोरेट हो सकता है और दूसरा कंपोनेंट ऐसा है जो इवेपोरेट नहीं हो सकता है, तो आप ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे अलग करेंगे? तो आप खुद ही बोलेंगे कि हम इसको इवेपोरेशन से अलग करेंगे, क्योंकि अगर हम इवेपोरेशन करते हैं तो एक चीज इवेपोरेट हो जाएगी, दूसरी चीज इवेपोरेट नहीं होगी, और इस तरीके से हम इन चीजों को अलग कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास ऐसा मिक्सचर है जिसमें से एक कॉम्पोनेंट वॉलेटाइल है और दूसरा कॉम्पोनेंट नॉन वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल का मतलब मैंने बताया क्या, जो इवेपोरेट हो सकते हैं, नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो इवेपोरेट नहीं हो सकते हैं। ठीक है तो वॉलेटाइल ऐसा कॉम्पोनेंट होता है जो वाष्पशील होता है, वाष्पशील, वाष्पशील यानी कि जो वाष्पीकृत हो सकता है, और दूसरा अवाष्पशील, ठीक है ना, जो वाष्पीकृत नहीं हो सकता। ठीक है ना तो एक वाष्पीकृत हो सकता है, दूसरा वाष्पीकृत नहीं हो सकता, हिंदी में कहें तो, और इंग्लिश में कहें तो एक इवेपोरेट हो सकता है और दूसरा इवेपोरेट नहीं हो सकता। तो ऐसे कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम इवेपोरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है तो यहां पे जो हम क्वेश्चन हमने पूछा कि नीले और काले से यानी कि ब्लू एंड ब्लैक इंक के कॉम्पोनेंट्स को अलग करने वाली बात, ये जो ब्लू एंड ब्लैक इंक जो है ना, ये एक्चुअल में वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। ठीक है आपके जो इंक आती है वो इंक किस में सोल्यूबल होती है, वाटर के अंदर, यानी वाटर और इंक की डाई मिली होती है। जो डाई यहां पे लिखा हुआ है कंपोनेंट, ये जो डाई है ये किस में डिसॉल्व होता है, वाटर के अंदर। तो अगर हमें वाटर और इस डाई को अलग करना है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि ये आपके सामने है, ये हम इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है ये हम गर्म कर रहे हैं इसको, और इसके ये आपने इसमें वाटर डाला हुआ है, क्या है वाटर, और ऊपर आप एक चाइना डिश रखेंगे और चाइना डिश के अंदर आपका मिक्सचर होगा, ये क्या है आपका मिक्सचर, ठीक है मिक्सचर, या आप कहेंगे
ब्लू, ब्लैक, इंक, डाई, ठीक है ना। ब्लू या ब्लैक इंक की डाई जो है ये इसके अंदर है, और आप इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने से क्या होगा, हीट करेंगे तो ये इससे ये वाटर हीट हो रहा है, और वाटर की जो स्टीम जा रही है वो यहाँ पे जा रही है। हम इसको ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट नहीं करेंगे, इसलिए हमने इसको स्टीम से हीट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्ट अगर इसको गर्म करेंगे ना तो हो सकता है डिकम्पोज हो जाए, तो इसीलिए हम इसमें स्टीम से इसको गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, इसका जो वाटर वाला वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, इसका वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और जो इसकी डाई है वो इसके अंदर रह जाएगी। तो इस तरीके से हम इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम डाई को मतलब अलग कर सकते हैं वाटर से। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। इसमें से वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या है, वाटर, और नॉन वॉलेटाइल है वो क्या है, इंक की डाई, ठीक है। तो जब हम इवेपोरेट करेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और डाई इसके अंदर रह जाएगी। तो इस तरीके से हम ब्लू या ब्लैक इंक के डाई को वाटर से अलग कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया ये टेक्निक। तो ये कौन सा मेथड है, इवेपोरेशन मेथड, ठीक है ना। अगर इस मेथड का नाम पूछा जाए तो आपको सिंपल सा मेथड का नाम पहले से ही पता है, इवेपोरेशन, ठीक है ना, इवेपोरेशन मेथड, ठीक है। और करते कैसे हैं वो आपको पता चल गया। आप जो भी एक वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है इसमें और एक नॉन वॉलेटाइल, आप इनमें से क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं इनको गर्म करके, हीट करके। तो जो वॉलेटाइल है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो नॉन वॉलेटाइल है वो इवेपोरेट नहीं होगा। इस तरीके से इसके कंपोनेंट का जो है सेपरेशन हो जाएगा। तो पहली टेक्निक हम लोगों को समझ में आ गई, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अपने अगली टेक्निक को सीखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमें मेथड सीखना है सेपरेशन का, उसके अंदर आपका क्वेश्चन फॉर्म में आपके बुक में लिखा हुआ है कि हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, कि भाई हम मिल्क में से क्रीम को कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। कि यानी कि दूध में से मक्खन को किस प्रकार अलग किया जा सकता है, ठीक है। आप लोग हिंदी में देख लेना। तो ये बात मैं आपको शायद पहले भी समझा रहा था एक दिन, कि भाई हम कैसे अलग कर सकते हैं क्रीम को मिल्क में से। इसका जो मेथड है ना, इसके मेथड का नाम मैं बता देता हूं आपको। मेथड का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। जैसे अगर आपको मान लो इसमें मिल्क दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मिल्क, और आपको करना क्या पड़ेगा, बस इसमें आप कोई भी चीज, आप लोगों ने देखा भी होगा ये फिल्मों में या खुद अपने घरों में भी देखा होगा कि हम इसको मिल्क को ना जोर जोर से घुमाते हैं, या आप लोगों ने फिल्मों में या उसमें देखा होगा कि गांव में औरतें मटके के अंदर दूध होता है उसमें एक डंडा डाल के और उसको ऐसे ऐसे घुमा रही होती हैं, ठीक है। एक्चुअल में वो करती क्या है कि उसको गोल गोल घुमाती हैं, और घुमाने से क्या होता है, इसको जोर जोर से गोल गोल घुमाया जाता है। घुमाने की वजह से जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। इस मिल्क के हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और लाइट पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। तो मिल्क के अंदर जो आपका मिल्क वाला पार्ट होता है वो हैवी होता है, और जो आपका क्रीम वाला पार्टिकल होता है वो लाइट होता है। इसलिए क्रीम जो होती है वो ऊपर आ जाती है और मिल्क जो है वो नीचे बैठ जाता है। और इस तरीके से आप इसमें से क्रीम को अलग कर सकते हो, ठीक है। तो क्रीम को कैसे अलग किया जाता है मिल्क से, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा, ठीक है ना। और सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में होता क्या है, हम उस मिक्सचर को जोर जोर से घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं बहुत तेजी से, और बहुत तेजी से घुमाने से हैवी पार्टिकल नीचे बैठ जाता है और लाइट पार्टिकल ऊपर रह जाता है, और इस तरीके से हम इनको अलग कर सकते हैं। अच्छा, इससे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि हम अगर मिल्क के कंपोनेंट को उससे अलग कर पा रहे हैं, मतलब इसमें से मिल्क में से क्रीम को अलग कर पा रहे हैं। आप देखते हो कि भाई नॉर्मली तो हम क्रीम को अलग नहीं कर सकते मिल्क में से, क्योंकि हमें उसमें अलग दिखाई नहीं देता, पर ऐसे गोल गोल घुमाने से उसके पार्टिकल्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होने के बाद हम उनको अलग कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम और भी चीजों को
इस सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे ना आपसे आपके एग्जाम में एप्लीकेशन पूछी जाती है। जितने भी हम मेथड पढ़ रहे हैं इनमें हमें हमसे क्या पूछा जाता है, इनकी एप्लीकेशन। तो अभी जैसे हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के बारे में पढ़ा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अपकेंद्रण विधि, अपकेंद्रण विधि, ठीक है। तो इस अपकेंद्रण विधि यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के एप्लीकेशंस क्या हैं, ये आपसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसके एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो देखो भाई, पहली एप्लीकेशन तो यही है कि मिल्क टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी मिल्क में से क्रीम को अलग करना। दूसरा, टू सेपरेट ड्रग फ्रॉम ब्लड, ब्लड में से ड्रग को अलग करना, जो आपका, या ड्रग को अलग करना या आप कह सकते हो ये यूज्ड होता है ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में, ठीक है। आप जब कोई आदमी बीमार पड़ जाता है और उसको ब्लड या यूरिन टेस्ट लिखा जाता है कि आप अपना ब्लड का टेस्ट कराएं या यूरिन का टेस्ट कराएं, तो उसके अंदर भी जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्चुअल में ब्लड टेस्ट में होता क्या है, उसके अंदर कुछ दूसरे ड्रग या दवाइयां मिला के कुछ चीजों का चेकअप किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको फिर हिलाया जाता है, ऐसे ड्रग उसके अंदर डालते हैं कुछ लिक्विड्स और उनको हिलाते हैं और उसको उसके अलग अलग रिजल्ट्स देखते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी आपका एक तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा, आपका वॉशिंग मशीन, ठीक है ना, आपके वॉशिंग मशीन में भी आप देखते हैं कि जब आप पानी में, वॉशिंग मशीन के अंदर आप कपड़े डालते हैं, पानी डालते हैं और अपना वॉशिंग पाउडर डालते हैं, जो भी सोप है, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है, वाटर को निकालने के लिए, ठीक है, उसमें से डस्ट को निकालने के लिए, आपके कपड़े को साफ करने के लिए, और कई, और आपका जो ड्रायर होता है उसमें भी आप देखते हैं कि आप गीले कपड़ों को डाल देते हैं और वो बहुत जोर से घूमता है। जोर से घूमने से वजह की वजह से क्या होता है, वाटर जो होता है आपके कपड़ों में से अलग हो जाता है, ठीक है। तो आपके वॉशिंग मशीन में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन में इसका इस्तेमाल होता है। टू ड्राई क्लोथ्स भी लिख सकते हो और टू क्लीन क्लोथ्स भी लिख सकते हो, कि वाटर को क्लीन करने में भी इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है और वाटर, आपके क्लोथ्स में से वाटर निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कि जैसे आप जब कपड़े धो रहे होते हो तब भी वो गोल गोल घूमता है, जिसमें से क्या होता है, गोल गोल घूमने की वजह से उसके डस्ट पार्टिकल जो है आपके कपड़ों से अलग हो जाते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, जब आप कपड़े धो लेते हो और सुखाने के लिए ड्रायर में डालते हो तो उसमें भी वो और ज्यादा तेज घूमता है, उससे क्या होता है कि वाटर जो होता है कपड़ों में से बाहर निकल जाता है। तो ये तरीके हैं, ये एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का कि ये सारे एप्लीकेशन है, इन 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 जगह पे इस्तेमाल होता है इनका, ठीक है। और भी बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है, पर आपको मेनली तीन चार याद करने हैं जो आप अपने एग्जाम में लिख सकें, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे। तो नेक्स्ट जो सेपरेटिंग मेथड है वो हमारे सामने है, अगर मैं इस मेथड का नाम लिख दूं यहां पे तो होगा सेपरेटिंग, सेपरेटिंग फनल मेथड, ठीक है, हिंदी में पृथकीकरण कीप विधि, ठीक है, पृथकीकरण कीप विधि, ठीक है। ये क्या होता है, कह रहा हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, कि
क्वेश्चन में पूछा है कि आपसे कि हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे अलग कर सकते हैं। इमिसिबल का मतलब क्या होता है? जो आपस में घुल नहीं सकते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे लिक्विड्स को हम कैसे अलग कर सकते हैं जो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकते? तो सीधी सी बात है, अरे वो डिजोल्व नहीं हो सकते हैं आपस में। तो इसको हम किस तरीके से अलग कर सकते हैं? हम इनको अलग कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग फनल मेथड। अब ये सेपरेटिंग फनल मेथड क्या है? सेपरेटिंग फनल मेथड में एक इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल। क्या कहते हैं? सेपरेटिंग फनल। और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है देखेंगे। कुछ ऐसा होता है ये, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है, ये एक सेपरेटिंग फनल है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेटिंग फनल। ये आपका एक सेपरेटिंग फनल है और इसमें होता क्या है कि भाई यहां पे एक एक तरह से समझ लो नोजल लगा होता है जिसके आप बंद कर सकते हो या खोल सकते हो, ठीक है। जैसे आपके घर में नल होता है, टैप होता है, तो वही टैप समझ लो ये एक है। इसको आप खोलोगे तो इसमें से लिक्विड जो है बूंद बूंद करके नीचे गिरने लगेगा, और आप बंद कर देंगे तो इसमें से गिरना बंद हो जाएगा। तो एक्चुअल में करेंगे क्या, हम इसके अंदर वो दोनों इमिसिबल लिक्विड्स भर देंगे। आपके सामने सबसे कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं इमिसिबल लिक्विड्स का बोलूं, ऐसे दो लिक्विड बताओ जो आपस में नहीं घुल सकते, तो आप सबसे पहले नाम लेंगे ऑयल एंड वाटर का। किसका लेंगे? ऑयल एंड वाटर का। कि ऐसे दो लिक्विड जो आपस में घुल नहीं सकते वो कौन है? वो है ऑयल एंड वाटर, यानी कि तेल और पानी। तेल और पानी आपस में कभी नहीं घुल सकते, ठीक है। अगर आप दोनों को एक साथ रखते हो तो अगर थोड़ी देर आप उसको मिलाने की कोशिश करो तो होगा क्या, पहली बात तो मिलेंगे नहीं, ठीक है, और थोड़ी देर जब शांत छोड़ दोगे इसको, अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दोगे, तो उसके बाद क्या होगा? अगर मान लो आपने ऑयल और वाटर इसमें डाला और उसको जोर से हिलाया, बहुत देर तक हिलाते रहे, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, थोड़ी देर आप बाद देखोगे कि सारा का सारा वाटर जो है नीचे आ जाएगा और सारा का सारा ऑयल जो है यहाँ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो वाटर नीचे आ जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा। और अब मुझे अगर इन्हें अलग करना है तो मैं क्या करूंगा? तो आप देख ही सकते हैं मेरे पास ये सेपरेटिंग फनल है, ये ऑयल हो गया, ये वाटर हो गया, अलग अलग हो गए। मेरे पास नीचे इसके अंदर टैप लगा हुआ है, मैं इस टैप को खोलूंगा, इसमें से वाटर जो है बूंद बूंद करके नीचे गिरेगा, और सारा का सारा वाटर जब नीचे आ जाएगा तो मैं उसको बंद कर दूंगा, ऑयल इसमें रह जाएगा। इस तरीके से हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो ये सेपरेटिंग फनल मेथड से बहुत आसानी से हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें वाटर और ऑयल को अलग किया जा सकता है, या और भी कोई दो लिक्विड या दो से ज्यादा लिक्विड जिन जो आपस में इमिसिबल होते हैं हम उन्हें अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? और एक्चुअल में ये अलग होते हैं तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट क्या है? इनके पीछे का कॉन्सेप्ट है इनकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये जो वाटर, अब आप इसमें ये सोच सकते हो, जैसे इसमें आप ये बात सोच सकते हो कि अगर हमने इनको हिलाया और उसके बाद ऑयल ऊपर आ गया, वाटर नीचे आ गया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वाटर ऊपर चला गया और ऑयल नीचे आ जाए? ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है? आप ये पूछ सकते हो ना कि वाटर ही नीचे क्यों आया, ऑयल ही ऊपर क्यों गया, उल्टा क्यों नहीं हुआ? ऑयल नीचे क्यों नहीं गया, वाटर ऊपर क्यों नहीं आया? तो इसका कारण यह है कि इनकी डेंसिटी, इनमें से अगर ऑयल और वाटर को देखें तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है और ऑयल की डेंसिटी कम होती है। वाटर की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वाटर नीचे जा जाता है और ऑयल की डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर चले जाता है, ठीक है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे की तरफ रहता है, ठीक है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ रहता है। इस वजह से ये सेपरेट हो जाते हैं, इस तरीके से अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ, अगर ये लिखा मिले हाउ कैन वी सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड, तो आप लिखेंगे वी कैन सेपरेट। अच्छा मैं इन क्वेश्चन के आंसर भी बता रहा हूं आपको, और पिछले भी जो क्वेश्चन थे ना आप उनका आंसर भी इसी तरीके से लिखेंगे। आप लिखेंगे वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड बाय सेपरेटिंग फनल मेथड, बस ठीक है, बाय सेपरेटिंग फनल मेथड। तो ये लिखने के बाद आपको बस इतना से लिखना है और आपका आंसर हो चुका होगा। अगर आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो आपको ये बनाना है और फिर इसके बारे में लिखना है कि ऑयल और आप वाटर को कैसे अलग करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप पूरा लिखेंगे कि वाटर एंड ऑयल आर इमिसिबल इन ईच अदर एंड दे हैव वेरिड डेंसिटीज, वाटर हैज हायर डेंसिटी एंड ऑयल हैज लेस डेंसिटी, सो इफ वी पुट देम टूगेदर इन अ सेपरेटिंग फनल द वाटर विल कम टू द बॉटम एंड ऑयल विल फ्लोट ओवर द वाटर एंड वी कैन सेपरेट देम बाय सेपरेटिंग फनल मैथड, ठीक है। तो अगर हम उनको सेपरेट करेंगे तो वाटर सारा अलग हो जाएगा और जो ऑयल है इसके अंदर रह जाएगा, इस तरीके से हम इनको अलग कर सकते हैं। तो ये तरीका है आपको किसी क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर पिछला जो पिछला क्वेश्चन था कि हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो आप उसमें भी आंसर ये लिखेंगे वी कैन सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, बस ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, तो आप बोलेंगे कि सेपरेटिंग सॉरी सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ मेथड इन विच द पार्टिकल्स ऑफ अ मिक्सचर स्पन रैपिडली सो द हैवी पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइट पार्टिकल कम द अपवर्ड्स, ठीक है ना, एंड वी कैन फिल्टर देम, ठीक है ना। तो जब हैवी पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा और लाइट पार्टिकल ऊपर आ जाएगा तो इससे क्या होता है, फिर हम इनको फिल्टर करके या कैसे भी करके सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद वो फिल्टर हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से उनके आंसर दे सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसकी भी एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं सेपरेटिंग फनल मेथड की एप्लीकेशन के बारे में। तो ये आपके सामने लिखी हुई है एप्लीकेशन ऑफ सेपरेटिंग फनल मेथड, कि सेपरेटिंग फनल मेथड का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो जिनमें से पहला है टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ठीक है, ऑयल और वाटर के मिक्सचर को अलग करना। किसी भी तरह का ऑयल अगर वाटर के अंदर मिल जाए तो हम उनको सेपरेटिंग फनल मेथड से अलग कर सकते हैं। चाहे ऑयल मिल जाए, कैरोसिन मिल जाए, पेट्रोल मिल जाए, हर चीज़, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वाटर के साथ इनसॉल्युबल होती है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती हैं, और उनको अलग करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। जैसे आप लोगों को पता है कि जो आयरन ओर होता है, जमीन में से आयरन जो है प्योर आयरन की फॉर्म में नहीं निकलता, वो उसके अंदर बहुत सारे दूसरे मेटल के साथ मिक्स होकर निकलता है, यानी कि उनका मिक्सचर निकलता है, ठीक है। और उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ओर, क्या बोलते हैं, ओर, और हिंदी में क्या बोलते हैं, अयस्क, हिंदी में क्या बोलते हैं, अयस्क। ये आप लोगों ने, ये शायद आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, एट्थ या नाइन्थ, एट्थ में या सेवन्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अयस्क क्या होता है, कि भाई जो जमीन के अंदर से कोई भी मेटल निकलता है तो वो प्योर मेटल की फॉर्म में नहीं निकलता, वो इम्प्योर होता है, और उस इम्प्योर मेटल को उस टाइम हम क्या बोलते हैं, ओर। जैसे आयरन का ओर है तो हम उसे आयरन ओर बोलेंगे, ठीक है। आयरन जमीन से निकल रहा है तो प्योर आयरन ही निकलेगा, उसका मिक्सचर निकलेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयरन ओर। तो अगर हमें आयरन ओर में से आयरन अलग करना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सेपरेटिंग फनल मेथड का। जब आप आयरन ओर को पिघलाते हैं तो उसमें आयरन के साथ साथ और भी दूसरे मेटल निकलते हैं, और सब हर मेटल की डेंसिटी अपनी अलग अलग होती है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये किस पे वर्क करता है, डेंसिटी के ऊपर। तो आयरन की डेंसिटी अलग होती है और दूसरे मेटल की डेंसिटी अलग होती है, और अगर कोई तीसरा मेटल भी मिला हुआ है उसकी डेंसिटी अलग होती है। तो सब क्या होते हैं ना, जब पिघलाया जाता है इनको तो सब एक अलग अलग लेवल पे आ जाते हैं। अगर आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो आयरन नीचे आ जाता है, दूसरा जो पार्टिकल होते हैं उनकी डेंसिटी अगर उससे कम है तो वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, और हम उनको फिर सेपरेटिंग फनल मेथड से अलग अलग कर लेते हैं। तो ये तरीका है, हम आयरन ओर से आयरन को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल और भी बहुत जगह होते हैं, जैसे मैंने अभी ऑयल के बारे में बताया। ऑयल के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती है, जैसे मरकरी,
कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, और भी बहुत सारी, बेंजीन, ये क्या होते हैं, ये तो बेंजीन के बारे में तो आप 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मरकरी जो आपका, आपको पता है मेटल होता है, ये सब एक तरह के कंपाउंड होते हैं, कार्बन कंपाउंड होते हैं, ये सब आप लोग 10th क्लास से पढ़ेंगे इनके बारे में। तो और मरकरी तो मेटल है, ये सब भी वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, पर अगर किसी तरह से अगर ये एक साथ हो जाए, मिक्स हो जाए, तो आप इनको अलग कैसे करेंगे, आप इनको अलग करेंगे सेपरेटिंग फनल मेथड से, ठीक है। वाटर के साथ ये इनसॉल्युबल होते हैं सारे के सारे। तो इनके इसके एप्लीकेशन आप लोगों को समझ में आ गई, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। अच्छा बच्चों, अब जो नेक्स्ट सेपरेशन मेथड हमारे इसमें बुक में है, तो इसको भी क्वेश्चन फॉर्म में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में लिखा है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर, कि हम सॉल्ट और कैम्फर के मिक्सचर को किस तरह से अलग कर सकते हैं। सॉल्ट को नमक कहते हैं और कैम्फर को कपूर कहते हैं। आप कपूर का इस्तेमाल करते हैं अपने पूजा पाठ में, ठीक है, आप लोगों को पता होगा कैम्फर, ठीक है। तो हम कैम्फर और सॉल्ट को कैसे अलग कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका अगर आपको आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हैं वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर बाय सब्लिमेशन प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सब्लिमेशन प्रोसेस से हम इनको अलग कर सकते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, कुछ कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट किसमें चेंज जाते हैं, गैस में, ठीक है। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो किसमें चेंज जाते हैं डायरेक्ट, अगर इनको हीट किया जाए, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको हीट करने पे वो लिक्विड में ना चेंज होके सीधा किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में। तो सीधा सॉलिड से गैस में चेंज होने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। और इसी प्रोसेस से हम सॉल्ट और कैम्फर को अलग कर सकते हैं। कैसे हम इसको अलग इस वजह से कर सकते हैं, क्योंकि कैम्फर जो होता है वो एक सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है, ठीक है। कैम्फर एक सेब्लिमेबल सब्सटेंस होता है, यानी कि कैम्फर यानी कपूर जो होता है, अगर आप इसे गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने से ये सॉलिड से सीधा क्या बन जाता है, गैस। सॉलिड से सीधा गैस बनने की वजह से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो ये सॉलिड से गैस बन जाता है, पर ये सॉलिड से गैस नहीं बनता। तो अगर हम इनको अगर इनका मिक्सचर है हमारे पास और हमें इन्हें अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, और गर्म करने से क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, सब्लिमेट हो जाएगा, और उससे हम इनको अलग कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जिसके अंदर ये आपका एक बर्नर है, आप इसको हीट कर रहे हैं, ऊपर एक चाइना डिश है, चाइना डिश में आपका मिक्सचर पड़ा है, ये मिक्सचर मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर, ठीक है। और इसके ऊपर आप क्या रखते हैं, इसके ऊपर आप एक फनल रखते हैं, क्या रखते हैं, फनल, ठीक है, ये आपका एक फनल है, और इस फनल को आप ऊपर से कॉटन से ढक देते हैं, किससे ढक देते हैं, कॉटन से, ठीक है, ये कॉटन से आपने ढक दिया है, और इसके अंदर आपके पास मिक्सचर है सॉल्ट एंड कैम्फर का। जब आप गर्म करेंगे ना, तो कैम्फर जो हो जाएगा सब्लिमेट हो जाएगा, और सब्लिमेट होके वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जब वो इस फनल के वॉल से टकराएगा, फनल की वॉल से टकराएगा, तो फनल की वॉल से टकराने के बाद ये यहीं पे जम जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये यहां पे जम जाएगा, ठीक है। जब इससे टकराएगा तो कूल डाउन हो जाएगा, और कूल होने की वजह से यहाँ पे जम जाएगा, ठीक है। और जब सारा का सारा कैम्फर यहाँ पे जम जाएगा, तो हम इनको अलग कर लेंगे, तो इसमें सिर्फ सॉल्ट बचेगा, और यहाँ पे हमारा कैम्फर इकट्ठा हो जाएगा, और इस तरीके से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। तो ये हमारे सामने प्रोसेस है जिससे हम सॉल्ट और कैम्फर को अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, छोटी सी बात है,
और ये सिर्फ नॉलेज के लिए है कि आपको सिर्फ नाम पता रखना है कि जब भी कोई सॉलिड है, ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इस समय हम इनको क्या बोलेंगे? इस समय मैं इसको बोलूंगा सबलाइम। क्या बोलूंगा? सबलाइम। क्या बोलूंगा? सबलाइम। तो इस समय ये क्या है? एक सबलाइम। जब कैम्फर को हम इवेपोरेट कर रहे होते हैं, दैट टाइम द कैम्फर इज सबलाइम, ठीक है? एंड व्हेन इट इज सबलिमेटेड एंड अगेन कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग डाउन, देन इट इज कॉल्ड, यहां पे मैं बना दूं इसको, देन इट इज कॉल्ड सबलिमेट। और जब ये सबलिमेट होके हमें यहां पे मिल गया, इस टाइम हम इनको क्या बोलेंगे? इस टाइम मैं इसको बोलूंगा सबलिमेट, सबलिमेट। ये बात समझ में आ रही है कि सबलाइम एंड सबलिमेट में क्या फर्क है? सबलाइम और सबलिमेट में क्या फर्क है कि जब वो सबलिमेट नहीं हुआ है, ठीक है, जब अभी अभी हमने सबलिमेशन प्रोसेस को नहीं किया है शुरू, उस टाइम वो क्या है? वो सबलाइम है। जब सबलाइम सबलिमेट होना शुरू हो रहा है, उस टाइम वो क्या है? सबलाइम। और जब हमें वो कलेक्ट हो जाता है कि जब वो सबलिमेट हो गया और हमने वापस उसे कूल डाउन करके हमने वापस उसे कलेक्ट कर लिया, उस टाइम हम इसे क्या बोलते हैं? सबलिमेट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हेयर द कैम्फर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सबलाइम एंड हेयर इट इज कलेक्टेड एज सबलिमेट, ठीक है? कि यहाँ पे सबलाइम फॉर्म में है और यहाँ पे हमने जो इसको कलेक्ट किया है ये सबलिमेट फॉर्म में है। ये बात समझ में आ रही है? और सबलिमेशन प्रोसेस का नाम क्या है? सबलिमेशन। हिंदी में कहें तो उधर्वपातन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं उधर्वपातन विधि, उधर्वपातन विधि। इसके बारे में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है उधर्वपातन क्या होता है, ठीक है? कि जब ठोस सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम उधर्वपातन विधि कहते हैं। जो हमारे पास चीज है मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट है वो सॉलिड फॉर्म में है यानी ठोस है, इसको आपने जब गर्म किया तो ये लिक्विड में चेंज ना होके डायरेक्ट किस में चेंज हो गया? गैस में। और गैस में चेंज होके ये कलेक्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सबलिमेशन प्रोसेस यानी उधर्वपातन विधि। तो आपको अगर सॉल्ट और कैम्फर को अलग करना है तो आप सबलिमेशन प्रोसेस से इसको अलग कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है? तो इसकी एप्लीकेशन लिखी है क्या आपकी बुक में? तो इसके एप्लीकेशन के बारे में नहीं लिखा आपके, बस इसमें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा है, तो वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? तो आज हम लोगों ने कितने सेपरेशन मेथड के बारे में पढ़ा? तो आज हमने चार सेपरेशन मेथड के बारे में पढ़ा। पहला कि जब एक वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल का को अलग करना हो, ठीक है? दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा क्या था? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ठीक है? इसके बाद हमने पढ़ा सेपरेटिंग फनल मेथड, और चौथा आज हमने पढ़ा सबलिमेशन प्रोसेस, ठीक है? तो आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा करेंगे तो हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है ना? आज चार कर लिए हैं, चार या पांच और बच रहे हैं हमारे, तीन या चार शायद, तो उनको हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इतना आप रिवाइज कर लीजिए, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? बाय।